हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द फैशन साका। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोग के साथ ना कुछ अमेजिंग से स्किन केयर प्रोडक्ट का रिव्यू और डेमो शेयर करने वाली हूँ। सो बेसिकली आज की जो वीडियो है वो पिलग्रिम हॉल होने वाली है। पिलग्रिम एक इंडियन ब्रांड है जो स्किन केयर प्रोडक्ट को बनाता है, एंड अपने स्किन केयर प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये जो इन्ग्रीडियंट यूज़ करता है ना गाइस, वो क्या होते हैं ना, कोरियन बेस्ड इंग्रेडिएंट होते हैं। तो आपको पता होगा कि कोरियन बेस्ड इंग्रेडिएंट्स अपने स्किन के लिए कितने अच्छे होते हैं। मैंने पहले इस ब्रांड को, पिलग्रिम ब्रांड को कभी ट्राई नहीं किया है। रिसेंटली मैंने इसको यूज करना शुरू किया है, बट इसका जो रिज़ल्ट है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी इफेक्टिव लगा। तो जब से मैंने इसको ट्राई किया है, मेरे ये सारे प्रोडक्ट ना फेवरेट बन चुके हैं। मैंने पिलग्रिम ब्रांड के 3 प्रोडक्ट हैं जिसको मैंने ट्राई किया है, एंड तीनों ही मेरे मतलब फेवरेट बन चुके हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा रिव्यू और डेमो आप लोग के साथ शेयर कर दूं, ताकि अगर आपने भी पिलग्रिम ब्रांड कभी यूज़ नहीं किया तो एक बार आप ट्राई करके देख सको। तो मैंने सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन से 3 प्रोडक्ट हैं जो मैंने इसका ट्राई किया है। तो मैंने एक फेस वॉश ट्राई किया है इसका, जो है पिलग्रिम सीक्रेट्स ऑफ जेजू आइलैंड वॉल्केनिक लावा एस फेस वॉश। देखिए, तो जो फर्स्ट है ना वो ये फेस वॉश है, एंड इसका बहुत सारा मैंने रिव्यू देखा था, तो इसके काफ़ी लोगों ने तारीफ़ की थी, तो इसलिए मैंने भी इसको ट्राई किया, एंड ट्रस्ट में गाइज इसका रिजल्ट बहुत ही कमाल का है। एंड जो सेकंड प्रोडक्ट है गाइज वो है रेड वाइन फेस क्रीम विथ SPF 30। सो देखिए, ये फेस क्रीम है विथ SPF 30, जो ये सेकंड प्रोडक्ट है। एंड जो थर्ड प्रोडक्ट मैंने इसका ट्राई किया है वो है एक फेशियल मास्क, पिलग्रिम सीक्रेट ऑफ जेजू आइलैंड 24 कैरेट गोल्ड फेशियल मास्क। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि पिलग्रिम एक इंडियन ब्रांड है जो कोरियन इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके ना अपने स्किन केयर प्रोडक्ट को बनाता है। तो ये सारे प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है पिलग्रिम से। तो ये ना देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि इस तरीके के ना पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ था। तो उनकी पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है गाइज, एंड इसमें अंदर में भी प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से बबल रैप किया हुआ था। तो प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। देखिए, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ल्ड ब्यूटी फॉर यू। तो अब सबसे पहले बात करते हैं फेस वॉश की। तो ये है पिलग्रिम सीक्रेट ऑफ जेजू आइलैंड वॉल्केनिक लावा एस फेस वॉश। देखिए, एंड यहाँ पे आपको देख रहा होगा ना, कोरियन लैंग्वेज में भी कुछ लिखा हुआ है। तो ये क्या होने, सारे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना वो कोरिया बेस्ड ही होते हैं। तो ये देखिए, तो अब मैं बात करती हूँ इसके प्राइस की। तो इसका जो प्राइस है वो है 350 रुपीज़, एंड 350 रुपीज़ में आपको 100 ml प्रोडक्ट मिल जाता है। एंड ये ब्रांड पिलग्रिम मैंने बता दिया। इसका जो भी प्रोडक्ट है गाइस वो सल्फेट फ्री होता है, पैराबिन फ्री होता है, मिनरल आयल फ्री होता है, द टॉक्सिक 20 फ्री होता है। तो आपको पता होगा ना कि सल्फेट पैराबिन कितना हार्मफुल पहुंचाते हैं आपकी स्किन को। तो ये ऐसे बिल्कुल इसमें नहीं है, इसके प्रोडक्ट में सल्फेट भी नहीं है, पैराबिन भी नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड सेकेंडली, जो भी इस फेस वॉश में ना जो मेन इन्ग्रीडियंट्स है गाइस, जिससे मेनली ये बना हुआ है ना, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो इसमें 3 ऐसे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे ये बना हुआ है। फर्स्ट है वॉल्केनिक लावा एस, एंड सेकंड है युग डूडू, एंड थर्ड इज़ वाइट लोटस। तो मैं आपको बता दूं, वॉल्केनिक लावा एस क्या करता है, आपकी स्किन को ना डीपली क्लीन करता है। एंड आप सबको पता होगा कि ना अपना फेस वॉश तो यूज़ करना ही पड़ता है, हम सभी ना कोई फेस वॉश यूज़ करते ही हैं, क्योंकि हमारी स्किन क्या होती है ना, बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। हम बाहर जाते हैं, धूल मिट्टी जम जाता है। अगर हम अच्छे से अपनी स्किन को नहीं क्लीन करेंगे तो क्या होगा कि ना आगे चल के बहुत ही डल हो जाएगी हमारी स्किन, एक्ने हो जाएंगे, पिंपल हो जाएंगे। तो उन सबको प्रिवेंट करने के लिए हमें कोई ना कोई अच्छा फेस वॉश यूज़ करना ही पड़ता है। तो इसमें जो इन्ग्रीडियंट वॉल्केनिक लावा एस है ना, वो आपके क्या करता है, ओपन पोर्स में जाके ना अंदर से अच्छे से डीपली क्लीन करता है। एंड जो इसमें युग डूडू है वो क्या करता है, अपने स्किन पर एक्ने नहीं होने देता, पिंपल नहीं होने देता। एंड जो इसका थर्ड इंग्रेडिएंट्स है वो है वाइट लोटस, जो आपकी स्किन को फ्रेश और वाइब्रेंट और ग्लोइंग बनाता है। तो इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स है गाइस, जो भी बहुत कमाल के हैं, कोरियन बेस्ड है, एंड इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। आप नॉर्मली डेमो में भी पता चल जाएगा, एंड नॉर्मली जैसे भी आप कोई फेस वॉश यूज करते हो, नॉर्मल पानी से वॉश किया, फेस वॉश लगाया, थोड़ा सा मसाज किया, एंड फिर वॉश कर लिया, तो बस इसको यूज़ करना भी बहुत ही ईजी है। एंड पिलग्रिम ब्रांड का जो भी प्रोडक्ट है गाइस, वो आपको ना इजीली अवेलेबल है अमेजन पे, मिंत्रा पे, और फ्लिपकार्ट पे,
और पॉपल पे, नायका पे, तो सभी पे पिलग्रिम ब्रांड का ना प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। एंड इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका भी लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये सब तो इस तरीके से इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। इसको जब आप अप्लाई करोगे ना, जब इसको यूज़ करोगे ना गाइस, तो उस वॉश करने के बाद से ना आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता है। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि कुछ ऐसे फेस वॉश होते हैं ना जिसको यूज़ करने के बाद से आपकी स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। अंदर देखिए आपके इनर पैकेजिंग में ना इस तरीके के छोटे से बॉटल में ये रिसीव होता है। बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग है इसकी देखिए। एंड आपको 100 ml प्रोडक्ट मिल जाता है 350 rupees में। तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी अफोर्डेबल है। कोई भी अच्छा अगर फेस वॉश आप लेने जाओ ना तो इतना तो लग ही जाता है। एंड इसका जो फ्रेगनेंस है गाइस, जिसका स्मेल है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैंने इससे भी पहले बहुत सारे फेस वॉश यूज़ किया है बट ऐसा स्मेल किसी में नहीं था। बहुत ही अच्छा स्मेल है इसका गाइस, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। एंड डेमो में इसका टेक्सचर वगैरह पता है, इसका टेक्सचर भी है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाइट वेट टेक्सचर है इसका। एंड फेस वॉश का काफ़ी रिव्यू पड़ा था बट इसका जो रिजल्ट है वो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो जो अब नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके फेशियल मास्क की, तो ये है 24 कैरेट गोल्ड मास्क पिलग्रिम सीक्रेट्स ऑफ जेजू आइलैंड। तो एक फेशियल मास्क है। जनरली क्या है ना, हमेशा हम लोग फेशियल करवाने नहीं जा सकते हैं, तो कुछ ऐसे फेशियल मास्क होते हैं ना जैसे हमने बस लगा लिया एंड थोड़ी देर सुखा लिया फिर उसको धो लिया। तो इस तरीके से ये जो फेशियल मास्क मैंने इसको ट्राई किया, तो इसका रिजल्ट भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लगा। क्या होता है ना कि इसको अगर आप यूज़ करोगे ना तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। जैसे बहुत सारे फेशियल मास्क यूज़ करने के बाद स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा ये। ये क्या करता है ना, आपकी स्किन को रेडिएंट ग्लो देता है, क्योंकि इसमें 24 कैरेट गोल्ड है जिससे कि आपकी स्किन ना ग्लो करेगी। एंड ये आपके आपके नेचुरल ग्लो को इन्हेंस करता है, कोलेजन को बूस्ट करता है और आपकी स्किन को ब्राइटन करता है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है गाइस, वो सब आपके स्किन को ग्लोइंग और रेडिएंट बनाने का काम करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस। एंड इसका मैंने आपको बताया ना MRP जो इसकी है वो 495 है। एंड 50 ग्राम का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। पिलग्रिम का जो भी प्रोडक्ट है गाइस, वो सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, द टॉक्सिक 20 फ्री है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी स्किन को हार्म पहुंचा सके, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। एंड अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। इनर में आपको ना बहुत ही छोटे से क्यूट से पैकेजिंग में, क्यूट से ऐसे डब्बे में आपको ये मिल जाएगा। आपको 50 ग्राम का प्रोडक्ट मिल जा रहा है एंड इसमें ना 24 कैरेट गोल्ड डस्ट है गाइस। देखिए आपको दिख रहा होगा ना, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है। एंड आपको बस इसको क्या करना, सिंपली जैसे किसी भी क्लींजर से वॉश किया, इसको 20 मिनट्स अपने फेस पे अप्लाई किया एंड बस थोड़ी देर के बाद ना 20 मिनट्स के बाद इसको वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर से। बस कुछ ज़्यादा नहीं करना है, रिजल्ट आपको अपने आप दिख जाएगा। तो आपने देखा ना इसमें 24 कैरेट गोल्ड डस्ट भी मिला हुआ है, तो इसका भी रिजल्ट जो है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अब बात करते हैं थर्ड प्रोडक्ट की, जो है पिलग्रिम सीक्रेट्स ऑफ विनो थेरेपी रेड वाइन फेस क्रीम SPF 30 विथ विटामिन सी एंड रोजसिप आयल। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं ना गाइज, वो आप मेन और वीमेन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इसको वीमेन ही यूज़ करेंगे, इसको मेन ही यूज़ करेंगे। आप जैसे फेस वॉश है तो आप भी यूज़ कर सकते हो, आपके हस्बैंड भी यूज़ कर सकते हैं, आपके भाई भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई भी इसको यूज़ कर सकता है फॉर ऑल एंड फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि ड्राई के लिए अलग है, सेंसिटिव के लिए नहीं है। ये जो भी प्रोडक्ट्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो सब आपके हर स्किन टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं एंड कोई भी यूज़ कर सकता है, तो ये भी इसके बहुत ही प्लस पॉइंट है। एंड अभी मैं बात करती हूँ ये फेस क्रीम की, तो ये एक फेस क्रीम है। नॉर्मली कोई ना कोई हम क्रीम जरूर यूज़ करते हैं। इस क्रीम में ना SPF 30 है, तो SPF 30 होने से क्या होगा ना, आपको जो सन टैनिंग से ना ये आपको बचाएगा। एंड इसमें है विटामिन सी और रोजसिप आयल, जो विटामिन सी कितना अच्छा होता है आपकी स्किन को ग्लो करने के लिए, विटामिन सी रोजसिप आयल कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको फेस क्रीम अगर आप डेली यूज़ करोगे ना, तो आपकी स्किन को विजिबल यंगर बनाएगा, मतलब आपको यंगर लुकिंग स्किन देगा, आपकी स्किन को ब्राइटन करेगा और SPF 30 है इसमें, जो आपको सन टैन होने से बचाएगा। तो इसके भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कमाल के, आपकी स्किन के लिए कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट इसमें नहीं है, आपको स्किन को काफ़ी ग्लो और रेडिएंट बनाएगा। एंड ये भी सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, द टॉक्सिक 20 फ्री है।
तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि आपकी स्किन को कोई भी हार्म हो। एंड इसका भी टेक्सचर काफ़ी अच्छा है, बहुत ही लाइट वेट टेक्स्चर है। अगर आप जैसे बहुत सारी होते हैं ना ऐसे फेस क्रीम जिसको आप यूज़ करते हो तो क्या होता है स्किन ना बहुत ऑयली हो जाती है, बट ऐसा ये जो इसका टेक्सचर है ना बहुत ही लाइट है, बस थोड़े से लगाने आपको कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में एंड बिल्कुल मैट फिनिश देता है, थोड़ा भी लगता नहीं है ना जैसे कि आपने कोई ऑयली मॉइस्चराइजर क्रीम लगाया है। तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ऑयली वगैरह ना मुझे नहीं अच्छा लगता इसका, बट इसका जो है टेक्स्चर है वो बहुत ही लाइट वेट है तो क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड देखिए ना लाइट पिंक कलर का क्रीम है ये, एंड इसमें इसका भी स्मेल बहुत अच्छा है। पिलग्रिम का जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट है ना उसका स्मेल बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा फ्रेगनेंस है उसका। सो इसका भी अभी मैंने रिसेंटली यूज़ किया है, बट मुझे इसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगा। तो इसमें से जो भी प्रोडक्ट आपको परचेस करना होगा सभी प्रोडक्ट्स का जो लिंक है ना वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके परचेज कर सकते हो। सो गाइज ये थे कुछ प्रोडक्ट्स जो पिलग्रिम ब्रांड के प्रोडक्ट जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं एंड मेरे फेवरेट बन चुके हैं जब से मैंने इनको यूज़ करना शुरू किया है। तो इसमें से कोई भी प्रोडक्ट आपको अगर परचेज करना है ना तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है पिलग्रिम का लिंक वो भी मैंने नीचे दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। मैं आप लोगों के साथ एक कूपन कोड शेयर कर दूँगी जो आपका स्क्रीन पे दिख जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जिसको अगर आप यूज़ करोगे अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है तो ये कूपन कोड यूज़ करके आप एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट ले सकते हो एंड प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग गाइस, पिलग्रिम ब्रांड के जो भी प्रोडक्ट हैं वो आपको इजिली अमेजन फ्लिपकार्ट पर्पल नाइका सब पे अवेलेबल हैं, तो आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो, आपको COD भी मिल जाएगा, तो ऑनलाइन पेमेंट करने की भी कोई टेंशन नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, ये हॉल आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है ना तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनको ऐसे हॉल देखना पसंद हो। एंड अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूँगी, आप जाइए और जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं फिर से आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।